Hello everyone, so today is 23rd September 2022 and we are going to start quiz number 3, current affair quiz. So let's go. So our first question is, which state has been declared Naxal free recently? Kis state ko Naxal free? Naxalis jo hote hain, theek hai, wo ek type ke militant groups hote hain jo sarkar ke khilaaf kuch na kuch apna violence karte hain desh mein. To Naxal free state recently kis ko declare kiya gaya? Kya Bihar, UP, Jharkhand ya Chhattisgarh? So answer will be your A option, right? That is Bihar. So आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार का जो ये खबर है, भारत सरकार की बड़ी सफलता, नक्सलवाद से मुक्त हुआ बिहार. Alright. Next question is that name the web-based system. एक web-based system है जिसमें that credit the pension directly into the bank account of defence pensioners. Defence से जो retire होके जो pensioners बने हैं अभी या पहले भी, तो उनके जो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेंशन ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम होता है, वेब बेस्ड सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? UIDAI, स्पर्श, संपूर्ण या none of these? So answer will be स्पर्श. Answer will be स्पर्श. You can see here understanding स्पर्श. स्पर्श क्या है? एक वेब बेस्ड सिस्टम है जिसमें पेंशन डिफेंस पेंशनर के डायरेक्टली खाते में चली जाती है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरमीडिएटरी के. बाहर से कोई मतलब जो बीच में इंटरमीडिएटरी होता है उसका कोई रोल नहीं रहता इसमें बीच में, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लगभग 11,600 करोड़ रुपए डिसबर्स हुए हैं 2021-22 के साल में, ठीक है. और धीरे धीरे इसमें इंक्रीज भी आ रहा है. इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? वो करता है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ रहा है वर्ल्ड राइनो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 सितंबर, 23, 21 या 20 को? सो आंसर विल बी 22 सितंबर. दैट विल बी ए. ओके, आप देख सकते हैं सितंबर 22, 2022 की ये ट्वीट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, वर्ल्ड राइनो डे. और हमारे यहाँ पर देखिए पांच दुनिया में जो है बेसिकली पांच राइनो की स्पीसीज होती हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए. स्केल ऐप किस मटेरियल को फ्लोरिश करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक ऐप है जिसका नाम है स्केल ऐप, ठीक है. इसकी भी फुल फॉर्म रहेगी तो सिल्क के लिए जूट, रबड़ या लेदर. सो आंसर विल बी, देखिए यहाँ पर स्केल ऐप को लॉन्च किया गया स्किल डेवलपमेंट के लिए लेदर सेक्टर में. सो आंसर विल बी डी, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कि किस स्टेट में अमेजोन अब 3 सोलर फार्म्स को सेटअप करेगा? अमेजोन कंपनी बेसिकली यहाँ पे, ठीक है. 3 सोलर फार्म किस में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या लद्दाख? सो आंसर विल बी राजस्थान. ओके, सो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे बी ऑप्शन. सो आप देख सकते हैं कि अमेजोन टू सेटअप 3 सोलर फार्म्स इन राजस्थान. आप थोड़ा सा इसको पढ़े, टोटल इनकी कैपेसिटी होगी 420 मेगावाट, ठीक है. ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ई कॉमर्स मेजर साइट या कंपनी सोलर फार्म्स इंडिया में ओपन करेगी, ठीक है. 420 में से कौन कौन से होंगे? 3 देखिए, एक होगा 210 मेगावाट का यहाँ पे, और दूसरा होगा 100 मेगावाट का, ठीक है. एंड थर्ड विल बी 110 मेगावाट. तो आपके ये 3 अलग अलग फार्म होंगे, सोलर फार्म अलग अलग, और तीनों की अलग अलग ये प्रोजेक्ट कंपनी होगी अमेजोन के अंडर, ठीक है. एंड दूसरी बात, ये सब क्यों हो रहा है? देखिए अभी एक प्रॉमिस किया गया था कि नेट जीरो इंडिया हो जाएगा 2070 तक, तो सभी मोस्टली कंपनीज यहाँ पर इसकी तरफ योगदान दे रही है. किसकी तरफ? रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट आ जाइए. किस कंट्री में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? चाइना, इंडिया, फिलीपींस या वियतनाम? सो आंसर विल बी फिलीपींस, ठीक है. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, फिलीपींस. अब ये न्यूज में क्यों है? देखिए ये जितने भी हमारे इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं ये सब क्या करते रहते हैं? इकोनॉमी को रिव्यू हर एक देश की, ठीक है. उनकी जीडीपी कितनी ग्रो करेगी, क्या कुछ वो सब रिपोर्ट्स देते हैं. सो ये बैंक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके हेडक्वार्टर्स. तो दूसरी बात, ये काफी पुराना भी है, 55 ईयर्स अगो लगभग 1966 में इसको बनाया गया था, ठीक है. और ट्रीटी के तहत ये बना था. इसमें कितने मेंबर्स है? 68 कंट्रीज है. इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की कुछ कंट्रीज इसमें शामिल है. इसके आप प्रेसिडेंट का नाम याद कर लीजिए, मत्स्यसुगो अस्काबा. ओके, 2020 से लगातार है. नेक्स्ट आ जाइए. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 कहाँ होगा? अभी देखिए, एक होता है हमारा वर्ल्ड कप जो वनडे मैच हो गया, एक हो गया T20 वर्ल्ड कप. तो टेस्ट चैंपियनशिप भी अभी होने लगे है, ठीक है. इसके अंदर ओवल लॉर्ड कोलकाता या डरबन किसमें होगा? देखिए आप देखेंगे ओवल एंड लॉर्ड्स टू होस्ट WTC फाइनल इन 2023 एंड 2025. तो सबसे पहले होगा यहाँ पर ओवल में 2023 में फाइनल, और 2025 का जो फाइनल होगा
वो होगा लॉर्ड्स में, ठीक है। सो आपको अच्छे से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जी, लेवर कप किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है। देखिए लेवर कप न्यूज में काफी ज्यादा रहने वाला है आने वाले समय में, और अभी है भी। क्यों? क्योंकि जो रोजर फेडरर है उन्होंने रिटायरमेंट बता दी है, ठीक है, और बोला है कि लेवर कप के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात आंसर आ जाएगा सी, दैट इज लॉन टेनिस। यू कैन सी हियर स्विस टेनिस जो रिटायर हो जाएंगे इस वीकेंड में लेवर कप के खेलने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इंडिया रशिया ने मिलकर कौन सी मिसाइल बनाई है, क्या बराक, पृथ्वी, ब्रह्मोस या अग्नि। सो आप इसमें आराम से बता पाएंगे, ब्रह्मोस हैज बीन मेड बाय यू नो जॉइंट वेंचर ऑफ DRDO इंडिया हो गया, रशिया की कंपनी हो गई, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम कैसे पड़ा है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया से एंड मोस्कवा रिवर जो है रशिया से, तो ये नाम हो गया ब्रह्मोस, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये न्यूज में क्यों है या वैसे इसका क्या योगदान है न्यूज में, आप देख पाएंगे इस चीज को, ठीक है। आंसर विल बी सी, ये है कि देखिए पाकिस्तान में गलती से यहाँ पर हमारी जो मिसाइल है ब्रह्मोस वो चली गई थी, ठीक है, यहाँ पे। बट कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो है कोई बारूद वगैरह का ज्यादा जो बम वगैरह वो नहीं लगा हुआ था, खाली सिस्टम था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो रेंज थी स्टार्टिंग में वो 290 किलोमीटर थी जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था। किसके तहत? MTCR एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, ठीक है। लेकिन इंडिया ने MTCR में कब पार्टिसिपेट किया, 2016 में हमने MTCR के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब एक बात बताइए कि इससे पहले 290 किलोमीटर की जो है रेंज फिक्स थी, MTCR में पार्टिसिपेट करने के बाद इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर धीरे धीरे करके, ठीक है, तो आप ये देख पाएंगे। नेक्स्ट है, इंडिया की फिल्म चेलो शो ऑस्कर 2023 में उसको ऑफिशियल एंट्री मिल रही है, किस भाषा में फिल्म है, मराठी, गुजराती, तमिल या हिंदी। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉकबस्टर जो RRR मूवी थी उसको माना जा रहा था कि ऑस्कर में उसकी एंट्री होगी ऑफिशियली, लेकिन उसने लूज किया गुजराती फिल्म चेलो शो को। तो आंसर विल बी बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं इस मूवी का काफी ज्यादा हाइप है, अभी भी ट्रेंडिंग में काफी चलता है। तो आप देख सकते हैं गुजराती फिल्म का ऑफिशियल एंट्री होना, ठीक है, और RRR का ना होना उसमें, तो काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो यस, ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।